कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। तो मुकाम हासिल करते हम हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई एक शख्स होता है। जैसे हमें मानसून सर बार बार टोकते हैं चीजों को लेकर के, ये गलती दोबारा मत करो। सर ने कभी ये नहीं बोला गलती मत करो, सर कहते हैं उस गलती को दोबारा। तो वैसे मार्गदर्शक आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि शॉल और प्रशस्ति पत्र लेकर बाबा का सम्मान करें। हालांकि बहुत छोटा सा है क्योंकि आपको पहला विजिट है, इसलिए हमारे माहौल में
इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हर समय काल में हर देश में वही होगा जो यहाँ होता है। यहाँ जो चल रहा है या अमेरिका में कहीं चल रहा हो या ऑस्ट्रेलिया में कहीं चल रहा हो, बस उसका स्वरूप दूसरा हो लेकिन चल ही रहा। तो रंगमंच में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम रंगमंच सीख किसे रहे, क्यों सीख रहे, किस उद्देश्य के लिए। आप फिल्म में जाने सीख रहे हो तो फिल्म जाने के साथ, अगर आप थिएटर करने के लिए सीख रहे हो तो थिएटर के साथ, आप पढ़ाने के लिए सीख रहे हो तो पढ़ाने के साथ। आपको तय करना है और रंगमंच आपके अंदर लाके नहीं ला सकते, पढ़ना आपको समझना आपको, हम सिर्फ एक दिशा लेंगे, इस दिशा में चलेंगे कि आप पहुंचेंगे। आप बहुत सारे कुछ कहूंगे, रंगमन से हटके कड़ी बात कहता हूँ तो मैं आपको जानता हूँ, आप भोपाल आना चाहते हैं, आप कुछ काम या मुंबई जाना चाहते, लेकिन जैसे ही आप भोपाल पहुंचोगे मैं आपको पहचानूंगा। क्यों? क्यों पहचानना? और जब तक आप काम करते रहोगे ना सब जानेंगे आपके घर में भी आपको क्यों पहचानते रहोगे, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं। अगर काम करना बंद करोगे तो कोई नहीं जानता, आपके घर नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो है कर्ज कर्ज अभ्यास के जन्म में रूप से जाना, अभ्यास करते रहते, लेकिन अभ्यास करने के लिए पढ़ते हुए क्या हम पढ़ते नहीं कुछ नहीं करो, यानी कि हम पूरा आए तो जितना है जितने वर्ग तक पढ़े नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए। हम उसको इतना प्लान कर दो कि आप रोज 10 पेज पढ़ो, किसी नाटक का, किसी उपन्यास का, किसी कहानी का हिस्सा है, तब आप अपने आप में सीख करो। अगर इकट्ठा एक पूरा तरह एक किताब पूरे दिन पढ़े तो कुछ नहीं आया आपको, फिर दस हजार मत हो तो फिर आपको नाम कर दिया है हर चीज, लेकिन रोज। तीसरी चीज जो हमारे ग्रोथ रंगमंच है, हम बहुत सारा कहते हैं कि ये है रंगमंच वो रंगमंच है, इन्हें सिद्धांत दिया वो सिद्धांत दिया, सारे सिद्धांत आपके पास हैं, बस उसको लागू करना आपका, लेक्चर सिद्धांत आपके पास है, स्टैंड सर्विस के सिद्धांत आपके पास है। मैं कह रहा हूं जो भी है वो आपका प्रयोग आपको करना, आपके अंदर है कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत आपको करनी है, आप सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। मासूम जी कहेंगे ऐसे रास्ते से इस रास्ते चलाए, लेकिन आपके अंदर घुस के ये ऐसा हो ये संभव नहीं, उसके लिए मेहनत आपको ही करनी। रंगमंच में हमने बहुत सारे लोगों का नाम सुना है, बहुत सारे लोगों का नाम जानते हैं, भारत भवन बना हुआ है, वहाँ काम हुआ है, चरण तो हुआ है, लेकिन आप में से आज भारत भवन मंडलों को जानते हैं
रावण से ज्ञान है क्योंकि उसको राज शासन का मंत्र ज्ञान है। तो लक्ष्मण महोदय गए और उनके सर के पास कर बोले ज्ञान रावण को बोले दोबारा फिर राम गए फिर गए फिर वही नहीं बोले राम तो रामचंद्र भगवान गए कहते उनसे इच्छा मांगा बोले सर के पास खड़ा हो भगवान दे क्या दे दिया उनके पैरों के पास है ना जब तक आप विनम्र नहीं हो तो ज्ञान कैसे मिले आप विनम्र हो तो विनम्र हो तो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा फिर ज्ञान जब उनके पांव के पास गया तो ज्ञान दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जब जाते हैं तो कौन पहले जाते हैं कृष्ण के पास पर्वत मान दुर्योधन देखा किसको क्यों ज्ञान अर्जित करना है तो पहले विनम्र हमें अपने गुरु से कहना होगा दीजिए कभी गुरु यानी गुरु दे ज्ञान दे गुरु बोलेगा ठीक है भैया ये वाला ज्ञान ले देखते थे ना आप
अपने आप में स्थापित करते हैं कि वो हीरो का बनता है। लेकिन दर्शक कहीं ना कहीं अपने आप को आपके साथ मिस करता है, तभी उस नाटक को देखता है, तभी उसके आंसू आए, वैसा ना हाथ से तो हंसी आए, ऐसा नहीं कि तुम हंस रहे हो रहा हो, ऐसा होता है कि आप नाटक में खाने की कोशिश कर रहे हो और दर्शक रो रहा है तो हंसते रहे क्योंकि आप उस रस का अनुभव खुद कर रहे हैं। इसे आप ऐसा करो हमेशा नाटक जब एक्टिंग करो तो ऐसा होना चाहिए दर्शक को उस रस का अनुभूति हो, आप अनुभूति हो तो दे पाओ, ये निश्चित मान चलो। भले हम कहें कि ये टूटता है वो टूटता है लेकिन दर्शक कहीं कहीं आप अपने आप को आपके अंदर रखता है, वो समीक्षात्मक रूप से नहीं देखता है, हम जैसे बैठे हैं अच्छा ये ऐसा हमने किया है इसने ऐसा किया है यहाँ इधर से अगर आपने देखा उसे देखता है बात मैंने इसी काम उस समय काल में जी रहा। अगर आप खुद नाटक देखने जाओ लेकिन समीक्षा परे जाओ तो आप क्या सोचते हो? मैं तो भाई सोचता हूँ जब नाटक देखने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ये अच्छा करा या बुरा करा, मैं ये देखता हूँ कहानी में भी आ गया मेरे मनोभाव उसके अंदर आया, वो एक अभिनेता को काम करना होता है, वो दर्शक जो है कहानी तक जुड़ गए वो भी अपने आप उसके प्रदर्शित बन सकते हैं। रंगमंच में सिर्फ अभिनय काम नहीं है, आप यहां से पढ़ लो उसका क्या करोगे आप राष्ट्रीय सहायता वगैरह मिल जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं
ठीक है।
ये बहुत इनफॉर्मल रेस्टोरेंट बैठक है, परिचर्चा ही रखा गया है इसका नाम। आपको मेरे को जो भी मॉडर्न भाई का पूरा पावर है, अगर आप देखेंगे रंगकर्म निर्देशन सबके दादे पर है, तो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्थाएँ हैं, अगर आप गवर्निंग बॉडी भी देखें तो MPSDK स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जब तक संभवता चले जब तक आनंद भाई है, तो कैसे प्रबंधन होता है, कैसे चीज़ों को टैकल किया जाता है, कैसे उसका धीरे धीरे बढ़ता है, उनको लेकर आपका बहुत लंबा अनुभव है, बहुत अच्छा है। आपके मन कुछ सवाल उसके बाद ही मैं आपका सवाल को जो आपने बड़ा अच्छे से लिखे, आपने सही कहा कि एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए पहले, ताकि रंगमंच पर आप आश्रित ना हो, किसी को करना ही वही है, उसी से जीविका चलाना है। तो क्या तो क्या आप दिन भर एक्टिंग करोगे, मतलब प्रेजेंटेशन करोगे? हाँ, तो भाई जैसे सर जैसे एनर्जी वगैरह के बारे में सुनते हैं, दिन भर होते फिर वहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग हैं जो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से और अच्छे संबंध भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ लोग अपना शहर में कर रहे हैं, सोसाइटी से कर रहे हैं, सोसाइटी मतलब उनके समाज से धीरे धीरे लेते हैं, सरकार भी देती है, लेकिन आपको 3-4-5 साल अपने आप रन करना होता है। उसके लिए यही तरीका है कि आप अपना ग्रुप बनाएं, पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक से बोलें कि इतना कुछ ऐड लें, विज्ञापन लें, CCR है, SR है, उससे लें, लेकिन वो मुश्किल होता है। लेकिन आप पब्लिक के बीच जाके इतना कम से कम इतना खर्चा तो निकाल सकते हैं कि आपका शो खर्चा निकल जाए। अगर 20-20 रुपये एक खर्च लें, अगर 5,000 लोगों का टिकट आपने भेजा तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये दर्शक को आएंगे नहीं, आएंगे वही 500, और 20 रुपये या 50 रुपये